So hi guys, so this is part 2. First it was about the retained earnings, preference capital and the equity capital. Now let's go to the bonds and debenture. So before going to the explanation, let me say one thing. Agar ek organization, a company ya kuch bhi start kar raha hai to, usse pehla company start kar raha hai to, uska pehla thing kya hai? उसे फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए. जो कोई भी हो उसे पैसा चाहिए बेसिकली. सो वो पैसा सिर्फ दो तरह से आ सकता है. एक तो इक्विटी फॉर्म में आता है और दूसरा आ सकता है डेबिट. इक्विटी मतलब द ओरिजिनल ऑनर्स, ऑनर्स ही इन्वेस्ट करें, शेयर होल्डर पार्टनर. और दूसरा आता है उधार मांगना, यानी कि डेबिट. सो बेसिकली उधार मांगना दो तरह के होते हैं, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. वॉट इज़ दैट? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. सो नॉर्मली हमारे इंडिया के अनुसार, इंडियन के अनुसार कहते हैं कि इंडियन ही सभी लोग कहते हैं कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स बोथ आर सेम, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स बोथ आर सेम. एंड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर क्लासिफाइड, यहाँ देखिए, बॉन्ड्स आर नॉर्मली क्लासिफाइड एज ट्रेजरी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, विच इज़ कॉल्ड एज द सिक्योरिटी इन इंडिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन इंडिया. ये बॉन्ड्स को हम कहते हैं ट्रेजर, यानी कि खजाना, या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. खजाना कहते हैं किसको? खजाना कहते हैं बॉन्ड्स को कहते हैं. एंड इट इज़ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया, यानी कि एक सेविंग्स की तरह है. सो मेनली अगर आप बॉन्ड्स या बॉन्ड्स के बारे में कहते हैं, तो बॉन्ड और डिबेंचर का डेफिनेशन देखते हैं पहले. तो हमने पहले क्या किया, इट इज़ क्लासिफाइड ट्रेजरी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विच इज़ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया. बॉन्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज इट इज़ द इंडेबटेडनेस ऑफ इशूइंग बॉडी लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेसिंग फॉर लॉन्स. अंडरस्टूड? इंडेबटेडनेस ऑफ इशूइंग बॉडी मतलब अगर आपको उधार चाहिए तो ये उधार देने के लिए रेडी है. कौन को? इशूइंग बॉडी के लिए, यानी कि जो कोई को भी पैसा चाहिए ये प्रोवाइड कर सकते हैं. लेकिन डिबेंचर एक ऐसी चीज़ है, एक लॉन्ग टर्म फिनांस, यानी कि आपको ज़्यादातर पीरियड तक आपको ये चाहिए हो, तो पैसा चाहिए तो डिबेंचर्स प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ लोन. आप सबको पता है लोन को एक साल, दो साल, तीन साल लगते हैं, हम इंस्टॉलमेंट कर ख़त्म करते हैं. इट्स अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो बेसिकली अगर हम इसकी इनर मीनिंग देखेंगे तो इधर भी उधार देना है, इधर भी उधार देना है, लेकिन यहाँ लॉन्ग टर्म, दैट्स व्हाट द डिफरेंस. बॉन्ड सिक्योर्ड बाय कोलैटरल, कोलैटरल मतलब यहाँ सिक्योरिटी है, बॉन्ड्स की मतलब सिक्योरिटी है. एंड एट द सेम टाइम हियर इट इज़ इनसिक्योर. अगर हम मनी या बॉन्ड्स के कहते हैं तो यहाँ इनसिक्योर है, एट द सेम टाइम यहाँ सिक्योर है. लो इंटरेस्ट रेट है, बॉन्ड्स इज अ फास्ट थिंग, एट द सेम टाइम लो इंटरेस्ट रेट होगा. डिबेंचर्स हमने ऑलरेडी कहा है इट्स अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो डेफिनेटली इट विल बी हाई इंटरेस्ट रेट. एंड ऑल्सो वॉट, यहाँ लो इंटरेस्ट रेट होने के कारण रिस्क फैक्टर लेस है, यहाँ हाई इंटरेस्ट होने के कारण यहाँ हाई इंटरेस्ट रेट है, यानी कि हाई रिस्क फैक्टर है. इट इज़ इशूड बाई द गवर्नमेंट ऑफ एजेंसी विच इज़ नॉन एज गिल्ट, यानी कि बॉन्ड इशू करता है कौन है? गवर्नमेंट इशू करता है, और वो गवर्नमेंट का नाम है गिल्ट, GILTS. दिस इज इम्पॉर्टेंट, GILTS, विच इज़ कॉल्ड एज दी गिल्ट एज सिक्योरिटीज. गिल्ट एज सिक्योरिटीज, आई रिपीट, गिल्ट एज सिक्योरिटी. अगर बॉन्ड्स इशू करता है गवर्नमेंट एजेंसी, तो यहाँ कौन इशू करता है? डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म होने के कारण कौन इशू करता है? पब्लिक ही इशू करती है. इट इज़ एक्रूड, इट इज़ एक्रूड मतलब क्या है? मैच्योरिटी एवरी रेट विद इंटरेस्ट, इट इज़ मैच्योरिटी एवरी रेट विद इंटरेस्ट, यानी कि अनटिल मैच्योरिटी रेट है ना, मैच्योरिटी पीरियड होगा, यानी कि 2020 दिसंबर मैच्योरिटी पीरियड है, तो उसी टाइम उनको सभी इंटरेस्ट तक मिलेगी. लेकिन यहाँ पीरियोडिकल पेमेंट है, पीरियोडिकल पेमेंट मतलब ये क्या है, 6 महीने, 1 साल, ऐसा होगा. यानी कि यहाँ कैसा है, इट कैन बी गेट विद इन 1 month or 2 months, इट इज़ एक्रूड एंड पीरियोडिकल पेमेंट. सो ऑल टुगेदर अगर आप डिफरेंस देते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म और पब्लिक प्रोवाइड करती है. नाउ आता है डिबेंचर का क्लासिफिकेशन. There are almost 8 classification of bonds. 8 classification of bonds. यानी कि floating rate bonds. आप सबको ये पहला 4 classification है ना, ये interest rate के base पर है. Interest rate के base पर है. First is floating rate bonds. What is that? Floating rate bonds. Floating rate bonds मतलब ये है कि interest rate will be changing within the period of time. यानी कि interest rate change होते जाएगा, यानी कि fluctuation होगा.
फिक्सड रेट बॉन्ड्स मतलब इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज नहीं होगा. इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन पीरियड, यहाँ सभी चीज़ हम यूज़ करने वाली चीज़ का अधिक दाम होता है उसे हम इन्फ्लेशन पीरियड कहते हैं, प्राइसेस भी हाई हो तो. डिफ्लेशन मतलब क्या, जहाँ हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं वहाँ प्राइसेस लेस हो तो उसे हम डिफ्लेशन पीरियड कहते हैं. तब इन्फ्लेशन पीरियड में सो बेसिकली हम कहाँ पहुँचे थे, या डिफ्लेशन. डिफ्लेशन मतलब जबकि एक प्रोडक्ट की या प्राइस कम होती है तब उसे हम डिफ्लेशन पीरियड कहते हैं, तब उसी तरह की लो इंटरेस्ट रेट होंगे. सो फ्लोटिंग रेट, डिफरेंट वेरिएशन चेंजेस होगा हर मंथ, फिक्सड ऑलवेज फिक्सड, इन्फ्लेशन हाई, डिफ्लेशन लो. ऑप्शन बॉन्ड, ऑप्शन बॉन्ड मेनली दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन और बॉन्ड पुट ऑप्शन. कॉल ऑप्शन मतलब कॉल ऑप्शन मतलब कंपनी सेज बॉन्ड्स आर कॉलेबल. कॉल ऑप्शन मतलब कंपनी सेज बॉन्ड्स आर कॉलेबल, यानी कि रिडीम हो सकते हैं. बॉन्ड्स आर कॉलेबल, रिडीम मतलब क्या, हम उसे पार्शली या फुल्ली रिटर्न बैक करते हैं एट द ओरिजिनल रेट पे. बॉन्ड पुट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा कॉल ऑप्शन और बॉन्ड पुट ऑप्शन. बॉन्ड पुट ऑप्शन मतलब क्या, बॉन्ड होल्डर सेट टू बिफोर मेच्योरिटी पीरियड, यानी कि बॉन्ड होल्डर क्या करते हैं अपने पास जो एसेट है उसको बेच देता है, वो भी क्या बिफोर मेच्योरिटी पीरियड, यानी पीरियड खत्म होने से पहले ही. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द ऑनरशिप देर आर टू टाइप्स ऑफ, देर इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज नोन एज द बेरर बॉन्ड या रजिस्टर बॉन्ड. बेस्ड ऑन द ऑनरशिप स्ट्रक्चर, ऑनरशिप स्ट्रक्चर के अनुसार बेरर बॉन्ड है और रजिस्टर. बेरर मतलब क्या, और रियल ऑनर. रजिस्टर बॉन्ड, रजिस्टर्ड बॉन्ड मतलब क्या, किसी क्या है हम उसको रजिस्टर करके लेते हैं, सो वैसे भी एक तरह की बॉन्ड है. नेक्स्ट आता है कूपन बॉन्ड. कूपन बॉन्ड मतलब ए, यानी कि ये एक ऐसी बॉन्ड है जो एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को हम ट्रांसफ़र करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ वॉट, इंटरेस्ट कूपन्स. एक इन्वेस्टर इज ट्रांसफरिंग द बॉन्ड टू द अदर इन्वेस्टर बट विद द हेल्प ऑफ द कूपन. ज़ीरो कूपन मतलब क्या, नो पीरियडिक पेमेंट, ओनली वन एट अ टाइम ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि पीरियोडिक पेमेंट नहीं चाहिए, ओनली वन एट अ टाइम ऑफ मेच्योरिटी मतलब क्या है, हमें सब पता है अगर हम लोन लेंगे तो कैसे लोन करते हैं, मंथली मंथली मंथली, यानी कि नो पीरियोडिक पेमेंट, जब मेच्योरिटी होता है उसी टाइम आप जीरो कूपन बॉन्ड मतलब उसी टाइम पेमेंट करो. कन्वर्टेबल बॉन्ड, अगेन हमने प्रेफरेंस शेयर में पढ़ा था, इट कैन बी एक्सचेंज टू इक्विटी, लेकिन क्या है, लैक ऑफ सिक्योरिटी है. क्यों लैक ऑफ सिक्योरिटी है, इक्विटी है सो डेफिनेटली लैक ऑफ सिक्योरिटी हो सकता है. नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ बॉन्ड है वेंचर कैपिटल एंड टर्म लोन. वेंचर कैपिटल का सबसे बड़ा उदाहरण है FB का वेंचरर कौन है, जिम ब्रेयर. ट्विटर का वेंचर कौन है, पीटर फेंटन. तो आप सोचते हैं कि वेंचर कैपिटल क्या है. वेंचर कैपिटल मतलब इसे फॉर्म ऑफ इक्विटी, यानी कि एक आदमी या एक कंपनी ऑनरशिप लेने को तैयार है. कैसे वो तैयार है, मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट वो करेगा. कैसी इन्वेस्टमेंट, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट वो करेगा, मतलब एक ऐसा बिजनेस जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो, एक ऑप्शन ये है, वरना एक ऐसा बिजनेस जो अभी रिस्क में चल रहा है लेकिन फ्यूचर में वो एसेटफुल हो सकता है. सो ये एक दो ऑप्शन होता है, यानी कि एक एस्टेब्लिश रेप्यूटेड, वरना क्या है, जो अभी लॉस में चल रहा है लेकिन फ्यूचर में उसको चांसेस है कि वो अच्छी तरह एस्टेब्लिश फॉर्म में चलेगा, समझे, एस्टैब्लिश फॉर्म में चलेगा, यानी कि इट्स अ फॉर्म ऑफ इक्विटी, यानी कि एक आदमी पैसे लेने को यानी ऑनरशिप करने को तैयार है. और डेबिट, और डेबिट मतलब क्या है, उधार देने को तैयार है टू फाइनेंस द हाई रिस्क वेंचर्स. हाई रिस्क वेंचर्स मतलब एक ऐसा प्रोसीजर जो ऑलरेडी हाई रिस्क में है, लेकिन जो आदमी वो पैसा इन्वेस्ट करता है ना, उसको यह 100% यकीन है कि वो इवन तो अब एट प्रेजेंट हाई रिस्क हो तो वो फ्यूचर में भी प्रॉफिटेबल हो सकता है. और MCA नामक एक एसोसिएशन है, उसका फुल फॉर्म ये है कि नेशनल वेंचर कैपिटल एसोसिएशन. वो क्या है, नेशनल वेंचर कैपिटल एसोसिएशन है जो वेंचर कैपिटल के सब रूल्स एंड प्रोसीजर को देखता है, समझे. इन्वेस्टर कंपनी को पैसा देगा, यानी कि यह हाई रिस्क वेंचर हो या एस्टैब्लिश्ड हो, जो कुछ भी हो हाई रिस्क वेंचर. अब यहाँ टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन दिया है हाई रिस्क वेंचर, इसलिए हम हाई रिस्क वेंचर लेते हैं. इन्वेस्टर हाई रिस्क वेंचर यानी कि कंपनी को पैसा देता है, लेकिन कंपनी इन्वेस्टर को एक बिलीफ है, क्या है, ये ग्रोथ होने के बाद ये पैसा इन्वेस्ट करेगा. जैसे फेसबुक के इंट्रोडक्शन के टाइम में पैसा देने, यानी कि वेंचरर कौन था, जिम ब्रेयर. ट्विटर का वेंचरर कौन था, पीटर फेंटन. ये वेंचर कैपिटल एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड फॉर्म ऑफ कैपिटल, यानी कि एस्टैब्लिश फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, जो इंडिया में बहुत तरह की प्रैक्टिकलिटी हो रही है. और फॉरेन कंट्रीज के एग्जांपल है FB और ट्विटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ
लॉन्ग टर्म फिनंसिंग है. नेक्स्ट आता है टर्म लोन. टर्म लोन का मतलब है लोन गिवन टू द परचेस ऑफ लैंड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग. यानी कि आप एक हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हैं, तो मेनली हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए चाहे क्या चाहिए, लैंड चाहिए हाउस रखने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कंस्ट्रक्शन, वो भी कितना लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए. एंड दीज आर दी फिक्स्ड एसेट. व्हाट इज इट, दीज आर दी फिक्स्ड एसेट, दीज आर दी फिक्स्ड एसेट. लेकिन इट शुड बी टाइम लोन पेड टाइम. यानी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ लोन. यानी कि एक लोन है जो हम लेते हैं क्यों, परचेज ऑफ द फिक्स्ड एसेट. अगर हम फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए लोन लेते हैं उसे हम टर्म फिक्स्ड कहते हैं. और इट्स अ लॉन्ग टर्म लोन पेड. यानी कि अगर हम एक लोन लेते हैं हम क्या करेंगे, बेसिकली उसे हम रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट की और करते हैं. यानी कि एक महीने में हो, यानी कि 3 मंथ में हो, डिफरेंस इन डिफरेंट कंपनी. हम ऐसे डेली पेमेंट यानी कि मंथली पेमेंट करते हैं, तो इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेली आउटस्टैंडिंग बेस्ड. यानी कि मतलब क्या है इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेली आउटस्टैंडिंग बेस्ड, मतलब क्या है उसका मतलब क्या है, अगर हम ऑलरेडी करेक्ट हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं तो क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओनली स्टैंडिंग बेस कम रिड्यूस होता है, इज़न्ट इट. हम इंटरेस्ट पेमेंट हर वर्क कहते हैं तो उसका आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है, उसका एडिशनल अमाउंट रिड्यूस होते जाएगा. लोन पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट. अगर समझिए कि आपको ये लोन कंप्लीट करना है तो आप कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, आपने जो लोन में ये चीज़ लिया था ना लैंड बिल्डिंग, इसको सेल कर आप कभी भी लोन का पेमेंट नहीं कर सकते हैं. इंस्टेड आपको क्या करने चाहिए, लोन पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट. यानी कि लोन पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट ही करना चाहिए. बट यू कैन नॉट टेक दिस एसेट, यानी कि परचेस ऑफ लैंड हो, सिक्योरिटी हो, जो कुछ भी हम नहीं ले सकते, क्योंकि इट इज़ अ लॉन्ग टर्म लोन गिवन फॉर फिक्स्ड एसेट एंड यू आर नॉट अलाउड टू टच द फिक्स्ड एसेट. सो गाइस सिर्फ इतनी शॉर्टेज थी, ये ऑलमोस्ट मुझे एक दिन लगा था ये सब शॉर्टन करने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ 40 मिनट, अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट नहीं, अब विद इन 35 मिनट्स यू आर गेटिंग दिस. सो प्लीज़ टू यूटिलाइज इट एंड स्टडी वेल एंड स्कोर गुड मार्क्स. थैंक यू. प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ यू फाइंड इट. दिस वॉज द एंड of long-term financing, sources of long-term financing. Thank you.